हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ इस यूनिक लैम्प का वीडियो, जिसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी और इसे कोई भी बना सकता है। लैम्प हमारे बेड के साइड से या सोफे के साइड से रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो लिविंग रूम हो या बेडरूम हो, हर जगह लैम्प बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, बहुत मतलब कॉस्टली मिलते हैं, जिनको हर कोई नहीं बाय कर सकता। तो आज मैं आपके लिए ऐसे एक सिंपल सा तरीका लेकर आई हूँ, जिसको आप इजी से घर में बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, यहाँ पर थर्माकोल मैंने लिया हुआ है और ये मैंने पहले ही लिया था, इससे मैं कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर थर्माकोल लिया है और इसमें से मैंने दो सर्कल कट कर लिए हैं। सर्कल मैंने कैसे कट, सर्कल के बीच में हम इस तरीके से कट लगा रहे हैं और ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि मतलब रोशनी हमारे मतलब आर पार हो सके। नीचे और ऊपर हम दोनों में इस तरीके से सर्कल के बीच में इस तरीके से कट लगा लेंगे। और ये सारे कट मैंने नाइफ को गर्म करके ही लगाए हैं, क्योंकि इस तरीके से इजी कट हो जाता है और जो थर्माकोल के पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते नहीं हैं, वरना बहुत मतलब इधर उधर फैल जाते हैं, काफ़ी कूड़ा हो जाता है उसकी वजह से। तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये ऑलरेडी एक पॉट रखा हुआ था, जो कि मैंने च्यवनप्राश की मतलब बॉटल से बनाया था। तो आज मैं इसको दोबारा रीयूज़ कर रही हूँ, इसका रिसाइकलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको पूरा इस तरीके से दोबारा से इस पर गोल्डन कलर का पेंट कर दिया है और ये बहुत अच्छा पॉट सा लगता है। तो एज अ पॉट यूज़ कर रही थी मैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगता था। और अब मैं इसको एज लैम्प पर अपने नीचे वाला बॉटम एरिया इसका बनाऊंगी। तो इसको अच्छे से मैंने पेंट कर दिया है और इसको अच्छे से ड्राई होने दिया, और उसके बाद इसको ऊपर से कवर करने के लिए मैंने इसके ऊपर मतलब एक प्लेट मेरे पास रखी हुई थी, ये स्विच बोर्ड की प्लेट है जो स्विच बोर्ड को कवर करने के लिए लगाते हैं ना, तो उसको मैंने इस तरीके से इस पर टक कर दिया है। और ये देखिए, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर छोटा सा मैंने ये जो एल्युमिनियम फॉइल का रोल होता है ना, तो उसको मैंने लिया हुआ है और उस पर मैं इस तरीके से एक ये रैप पेपर मतलब कवर कर दूंगी, जिससे कि इसको अच्छा सा लुक मिल सके। और बस इसके ऊपर अब मैं इसको अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पर बस इस तरीके से मैं इसको अटैच करूँगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मोटा जो थर्माकोल का भी मैंने एक बनाया था उसको अटैच किया, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसको मैं हटा दूँगी और वापस से वही लगाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये रफली पेपर मैंने लिया है, ये पेपर बहुत अच्छा होता है और ये मतलब होता है कागज़ का ही है, लेकिन इतना मतलब मज़बूत होता है, एकदम कपड़े जैसा लगता है। ये देख होता कागज़ है लेकिन देखने में कपड़े जैसा लगता है, और कपड़े जैसा ही मलमल जैसा होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है और ईज़िली ये फटता नहीं है। और ये पेपर आपको 25 रुपए का मिलेगा और भी एक्सपेंसिव मिलता है, तो आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। तो इसमें से थोड़ी सी मैं लीव्स कट कर रही हूँ अपने नीचे से पॉट को डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी मुझे मतलब अपर और बॉटम दोनों का एक जैसा ही लुक मिले। तो मैं इसमें से ही लीव्स कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इसको फ्रेंडली बजट में बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये और इस लैम्प को बनाने में मुझे टोटल सिर्फ मतलब 50 रुपीज़ लगे हैं, जो कि चीज़ें मैंने बाय की है, बस 50 रुपीज़ मुझे लगे, ज़्यादा नहीं लगे। और बस इस तरीके से दोनों रोल को रखकर अच्छे से चिपका दूँगी, जो पेपर हमने कट किया था लंबा सा, उस पेपर पे मैं इसको इस तरीके से घुमाते हुए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है सर्कल में, तो आपके दोनों हाथ बिजी रहेंगे, आपको दोनों हाथों से मूव करना होगा इसको। तो इसको जो ग्लू गन हमें लगानी है, ग्लू गन का यूज़ करेंगे, वो किसी थर्ड सेकेंड पर्सन से ही यूज़ करवाना पड़ेगा। तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए और इसको इस तरीके से आप बना लीजिए। तो देखिए, ये कितना इजीली बनकर तैयार हो गया है और इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के यूनिक वीडियोस हमेशा आप लोग के लिए लेके आती रहती हूँ, जो काफ़ी फ्रेंडली बजट में होते हैं, जिन्हें हर कोई अपने घर में रख सकता है। तो यहाँ पर मेन बात कि यहाँ पर मैं जो है वो दिवाली लाइट यूज़ करूँगी। अगर आप इसमें मतलब बल्ब लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर छोटा सा होल कर लीजिए ऊपर और बस आप उसमें अपना बल्ब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें लीफ लगा रही हूँ, जो मैंने मतलब पेपर से लीफ कट की थी, उन लीव्स को मैं यहाँ पर लगा दूंगी। और इन लीफ को मैं पूरा नहीं चिपकाऊंगी, बस नीचे नीचे का हिस्सा चिपकाऊंगी और ऊपर से जो इनका थ्रेड्स ऑफ है उसको मैं इसी तरीके से रहने दूंगी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे लुक में लगेंगी, उभरी उभरी हुई सी। तो इस तरीके से मैं इनको लगा रही हूँ।
तो बस इस तरीके से ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। और बस अब इसके ऊपर हम अपना जो है थोड़ा सा इसको कवर करने के लिए हम थर्माकोल का यूज़ करेंगे। और अगर आप बल्ब लगा रहे हैं तो इसको कवर ना करें और बस इसमें भी थर्माकोल में भी एक छोटा सा होल कर लें और इसमें मतलब अटैच कर दें। लेकिन मैं दिवाली लाइट लगा रही हूँ इसलिए मैं इसको कवर करूँगी। और जब कभी मुझे बल्ब लगाना होगा तो मैं बल्ब भी लगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बल्ब नहीं लगा सकती। जब मेरे पास अभी बल्ब था नहीं, दिवाली लाइट थी और मुझे वीडियो डालना ही था इसलिए मैं यहाँ पर दिवाली लाइट लगा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बल्ब लेकर आ जाऊँगी तो मैं एक टिप्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्लू गन लगा के, लेकिन ये दिवाली लाइट के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं आपको इसका पूरा फुल फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो बस इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है और थोड़ा सा पुश करते हुए दबा दिया है। और ये देखिए अब आप देख सकते हैं हमारी लैंप बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए आप इसका पूरा लुक देख लीजिए। और अभी मैं इसमें लाइट डालकर आपको लगा कर भी दिखाऊंगी, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने रूम में अंधेरा किया हुआ है और आप देख सकते हैं कितना विजुअल लाइट हो रही है नीचे से ऊपर से। और जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है, जो पेपर यूज़ किया है, वो भी देखिए आर पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसको मैंने अपने बेड की साइड की टेबल पर रखा हुआ है क्योंकि बेड की साइड की टेबल पर लैंप रखी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ए गाइस, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय वीडियो। फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय।